हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 4 बेस्ट स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज अंडर 30,000 रुपीज और 30,000 के अंदर आपको मार्केट में ऑलमोस्ट 50 प्लस से ज्यादा टीवीज देखने को मिल जाएंगी, जिससे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे लिए कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, टीवी एक ऐसी चीज है जिसे हम कम से कम 10 या 15 साल तक यूज करते ही हैं, तो इसीलिए हमने काफी रिसर्च करने के बाद आपके लिए टॉप 4 बेस्ट टीवी सिलेक्ट किए हैं, जिनमें आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ 4K अल्ट्रा HD पैनल मिल जाएगा एंड साथ में 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज भी होगी। और इसके अलावा क्वाड कोर प्रोसेसर, TWS सपोर्ट एंड और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड गाइज, मैंने काफी डिटेल में हर टीवी के बारे में बताया है ताकि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक बेस्ट टीवी चूज कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो फर्स्ट टीवी है वो आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Y S1 Pro। एंड बात करूं पहले इस टीवी के लुक्स की, तो बहुत ही स्लिम देखने को मिलता है, बेजल्स ऑलमोस्ट नाक के बराबर हैं, बट जो फ्रेम एंड फुटस्टेप है दोनों प्लास्टिक के मिलते हैं। और नेक्स्ट बात करूं कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई और BT 5.0 दे रखा है एंड साथ में पोर्ट्स के लिए इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 SP 2.0 एंड 3 AV इनपुट, डिजिटल ऑडियो आउटपुट एंड इथरनेट पोर्ट मिल जाता है। बाकी बात करूं डिस्प्ले की, तो 43 इंच की 60Hz की 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 8-bit FRC VAD LED पैनल देखने को मिलता है और पैनल की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है एंड साथ में HDR10, HDR10 प्लस और HLG का भी सपोर्ट मिल जाता है। और आप पिक्चर क्वालिटी भी दे सकते हो, कलर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, डिटेलिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करूं व्यू एंगल्स की, तो साइड से देखने पे 20-25% का कलर लॉस होता है और इसका कंट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा है, ब्लैक्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है इस टीवी में। और नेक्स्ट बात करूं स्पीकर की, तो इसमें आपको 24W के स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं और 12B एटमॉस सपोर्ट, और साथ में इस टीवी के अंदर आपको 2GB की रैम और 8GB स्टोरेज मिल जाती है, जो कि कम है क्योंकि इस लिस्ट के अदर टीवीज के अंदर आपको 16GB की स्टोरेज दे रखी है। और नेक्स्ट बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलता है एंड साथ में इनबिल्ट क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, TWS सपोर्ट, ऑक्सीजन प्ले एंड BT रिमोट मिल जाता है, जिसमें आपको डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस की हॉटकीज मिल जाती हैं। बाकी बात हुई प्राइस की, 30,000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो गाइस, अब चलते हैं नंबर 2 पे, वो आती है Xiaomi की तरफ से 5X सीरीज, और Xiaomi की तरफ से आने वाली काफी अच्छी टीवी है। यहाँ पर आपको फुली मेटालिक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है एंड बैक इसका प्लास्टिक का है और लुक वाइज भी दे सकते हो, टीवी बहुत ही प्रीमियम लगती है। बाकी बात हो डिस्प्ले की, 43 इंच की 60Hz की 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिलती है विद 85% NTSC और इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC VAD LED पैनल दे रखा है, जो HDR10, HDR10 प्लस, HLG और Dolby Vision को भी सपोर्ट करता है एंड साथ में विविड पिक्चर इंजन भी दे रखा है। और आप डिस्प्ले क्वालिटी दे सकते हो, कलर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, बस थोड़े ग्रीन और रेड ओवर सैचुरेटेड लगते हैं। और इसके अलावा जो अपस्केलिंग है HD चैनल्स की, वो अच्छी देखने को मिल जाती है एंड जो पिक्चर में डिटेलिंग है वो भी काफी बढ़िया है एंड व्यू एंगल भी देख सकते हो, साइड से देखने पर 20-25% कलर लॉस देखने को मिलता है, तो ओवरऑल अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है इस टीवी के अंदर। एंड नेक्स्ट बात हुई कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई और BT 5.0 दे रखा है एंड साथ में पोर्ट्स के लिए इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 SP 2.0, हेडफोन जैक, AV इनपुट, एंटीना और इथरनेट पोर्ट भी मिल जाता है। और इसके अलावा बात करूं स्पीकर्स की, तो इसमें 30W के स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं और Dolby Atmos सपोर्ट एंड साथ में 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज भी दे रखी है। और नेक्स्ट बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलता है एंड साथ में इनबिल्ट क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, पैचल 4 और BT रिमोट भी दे रखा है, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के बटन मिल जाते हैं। बाकी बात करूं प्राइस, 30,000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो गाइस, अब चलते हैं नंबर 3 पे, वो आते हैं रेडमी की तरफ से, Redmi X43। और सबसे पहले बात करूं टीवी के लुक्स की, तो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मिलती है एंड इसका स्टैंडर्ड प्लास्टिक का है और साथ में कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई और BT 5.0 मिल जाता है एंड इसके अलावा पोर्ट्स के लिए इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 SP 2.0, हेडफोन जैक, इथरनेट पोर्ट, AV इनपुट और एंटीना पोर्ट मिल जाता है। बाकी बात हो डिस्प्ले की, तो 43 इंच का 60Hz का 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले दे रखा है एंड जो पैनल है टीवी में वो आपको 8-bit FRC VAD LED पैनल मिलता है, जिसमें आपको HDR10, HLG और Dolby Vision का सपोर्ट दे रखा है। और आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, बस थोड़े ग्रीन और रेड ओवर सैचुरेटेड है, अदरवाइज बाकी कलर्स काफी अच्छे से हैंडल करता है। और इसके अलावा HDR परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है, अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है पिक्चर क्वालिटी में और साथ में Dolby Vision की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई भी कलर मिसिंग नहीं लगता है एंड कॉन्ट्रास्ट भी देख सकते हो, टीवी में ब्लैक्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और HD चैनल्स की अपस्केलिंग भी काफी बढ़िया है, तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आती है टीवी की। और इसके अलावा बात करूं स्पीकर की, तो इसमें आपको 30W के स्पीकर मिलते हैं, Dolby Atmos सपोर्ट एंड साथ में 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज भी दे रखी है। और नेक्स्ट बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये टीवी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 पे आता है एंड साथ में इनबिल्ट क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, पैचल 4 और BT रिमोट भी दे रखा है, जिसमें आपको डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के बटन मिल जाते हैं। बाकी बात हो इस टीवी के प्राइस, तो 27,000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर।
तो गाइस अब चलते हैं हमारे लास्ट ये पे, वो आती सैमसंग तरफ से सैमसंग क्रिस्टल नियो। और बात करूं उसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसमें आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, एंड स्टैंडिंग प्लास्टिक है, बट जो बेजल है वो काफी स्लिम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई और BT 5.0 मिल जाता है। एंड पोर्ट्स के लिए इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट, 1 USB 2.0, एंटीना, इथरनेट पोर्ट और डिजिटल ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। बाकी बात करूं डिस्प्ले की, तो 43 इंच की 50Hz की 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले मिलती है। एंड जो पैनल है इसमें आपको 8-bit FRCVA पैनल दे रखा है, जिसमें आपको HDR10, HDR10+ और HLG सपोर्ट मिल जाता है। एंड आप डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है, HDR हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और कंट्रास्ट भी बढ़िया है, ब्लैक्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है तब भी आप डिटेलिंग देख सकते हो काफी बढ़िया है, और कलर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा है, नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड साथ में डिस्प्ले बहुत ब्राइट भी है, तो व्यू एंगल भी अच्छे हैं, अराउंड 50-20% का कलर लॉस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सबसे अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है इस टीवी के अंदर। और इसके अलावा बात करूं स्पीकर की, तो इसमें आपको 20 वाट के स्पीकर मिलते हैं और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, एंड साथ में 1.5 GB की रैम और 8 GB स्टोरेज भी दे रखी है। और नेक्स्ट बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड OS नहीं मिलता है, इसमें आपको सैमसंग का टाइजन OS दे रखा है जो कि काफी लाइट वेट है। एंड साथ में इसमें आपको सैमसंग TV+ भी दे रखा है, जिसमें आपको फ्री टीवी चैनल्स और मूवीज देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसमें आपको इनबिल्ट क्रोमकास्ट, एलेक्सा, बिक्सबी, गूगल असिस्टेंट और BT रिमोट मिल जाता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के बटन दे रखे हैं। तो इस टीवी के अंदर आपको कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, बट डिस्प्ले वाइज ये टीवी काफी अच्छी है। और टीवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर क्वालिटी, जिसमें यह नंबर 1 आती है। एंड अगर आप सैमसंग का ही बेस्ट टीवी ढूंढ रहे हो तो इस टीवी को जरूर बाय करना। बाकी बात उसकी प्राइस की, तो आपको 30,000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो गाइज ये थी टॉप 4 बेस्ट एंड्रॉइड टीवी जिन्हें आप परचेस कर सकते हो। और अभी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।